कोई बोल रहा है आपको गलत बोल रहा है। देखिए जब कुछ अच्छा चलता रहेगा तब तो कुछ चैलेंजेस है ही नहीं, तो अगर किसी ने आपको गलत बोल दिया तो आपके माइंड में उसके लिए नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप ठीक कर रहे हो और वो गलत बोल रहा है आपको। तो उसको वो जो नेगेटिव है उसको कॉन्शियसली कैसे सोच के उसको कैसे पॉजिटिव करना है, ये मेडिटेशन के थ्रू आया है। असली यज्ञ तब होता है जब आप अपने अहंकार, लालच और घृणा की बलि देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम है पी एस एस एम में। दोस्तों हम है पी एस एस एम में हम आपसे मिलाते हैं ऐसे ध्यानियों को जिन्होंने ध्यान से बहुत कुछ सीखा है, जो ध्यान से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और बदलने की राह पर चल चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा से सीमा जी। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम सीमा गुप्ता है, मैं नोएडा से हूँ और प्रोफेशन में प्रोफेसर हूँ, कॉलेज फार्मेसी कॉलेज में पढ़ाती हूँ। बचपन से ही देखा जाए तो मैं थोड़ा शाय नेचर की थी, और शाय इन द सेंस इतना ज़्यादा रिजर्व थी कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, अपना ही उसमें रहती थी। मुझे बाहर ज़्यादा जाना अच्छा नहीं लगता था, और शुरू से ही घर का माहौल इस तरह का था कि फादर जो मेरे रेलवे में थे एम्प्लॉई, तो गवर्नमेंट जॉब में थे, और उनका ये था कि बेटी डॉक्टर बने। अक्सर ज़्यादा तक 90% जो पेरेंट्स हैं उनका यही रहता है। तो बस स्टार्टिंग से यही था कि हाँ डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए बस थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ती रहती थी, रिजर्व कहीं भी जाती थी तो वहाँ भी अपनी बुक्स लेके जाती थी। तो उसके बाद 12th दिया, फिर इसका भी दिया, मेडिकल का दिया, तो उसमें हुआ नहीं। तो बस ये था कि थोड़ा सा उसमें आ गई थी मैं, ऐसे कोई वो नहीं था, लेकिन हाँ लग रहा था कि हाँ एम ये था, और फादर को भी नहीं कर पाई। लेकिन फिर ठीक है, आगे बढ़ी, फार्मेसी चॉइस किया मैंने, और फार्मेसी में फिर आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आगे फर्दर किया, और फिर फाइनली ये था कि बस अपने उसी कंजर्व नेचर से ही, मतलब जैसा शादी वगैरह हो गई हम लोगों की मेरी, तो उसके बाद मेरा ये था जो मैंने एक्चुअली चाहा वो मुझे मिला भी, जो जिसके लिए, मतलब मैं ये कहती हूँ जिसके लिए मैंने यूनिवर्स से चाहा वो मिला भी। तो जैसे मुझे ये लग रहा था कि हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फादर गवर्नमेंट, तो वो मेरी शादी वहीं होगी। मतलब वो थे नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो कॉलेज में ही पढ़ाते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो गया, तो वो मुझे लकी मानते थे कि तुम्हारी वजह से हुआ है। तो आगे लाइफ बढ़ी, तो लेकिन लाइफ जब उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए लाइफ में। ये था कि फिर एक साल बाद बेटी हुई मेरी, और बेटी हुई उसके बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी थोड़े से डिस्प्यूट या चैलेंजेस उसको कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। वो सब मेरी मदर इन लॉ भी साथ में रहती हैं, और बेटी बड़ी हो रही थी, वो सारी चीज़ें देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, ऐसे लाइफ आगे बढ़ती गई। फिर बेटी ने मेरा बीच में, वो जब 8 साल की थी वो बहुत बीमार हो गई, मतलब वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो खाना पीना उसने सब छोड़ दिया था, वो जूस भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ज़ीरो डाइट पर हो गई थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ उसके साथ, उसने खाना क्यों, हम सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे, तो नहीं समझ में आ रहा था चीज़ें। फिर उसके बाद फाइनली हमने साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए थे हम, फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा वो चला तो वो ठीक हो गई। फिर तो उसके बाद फिर लाइफ आगे, मतलब हमारे समझ लो 10 से 12 साल काफ़ी उसमें रहा, अप्स एंड डाउन्स कह सकते हैं। हाँ अप्स एंड डाउन्स रहे थे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था देहरादून, तो शायद देहरादून सिटी कह लो या इस तरीके का था वहाँ पे जो वातावरण कह लो या क्या था, और मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और मैं वहाँ घर पे थी। मुझे भी सफिशिएंट टाइम मिल गया अपने लिए स्पेंड करने के लिए, तो मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह में देखती थी, तो उस वहीं से ही थोड़ा सा मुझे उसमें, अदरवाइज हमारे घर पे तो ध्यान का इसका कुछ था ही नहीं, किस कोई जानता ही नहीं था कि क्या होता है, तो मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह थोड़ा सा देखती रहती थी, तो उसकी तरफ मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गई।
फिर सद्गुरु का जो आता था वो सद्गुरु का उसकी तरफ, क्योंकि उसकी टॉक्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मैं देखा, उनका सेशन भी मैंने किया था यहाँ पे, लाइव सेशन हुआ था, तो उनकी फिर उस पर मतलब मैं पूरा चली गई। और उसके बाद मेरे अंदर थोड़े से चेंजेस भी आए थे, लेकिन फिर उसके बाद हस्बैंड का यहाँ दिल्ली वापस ट्रांसफ़र हो गया, फिर यहाँ पे बैक टू द जॉब मैं वापस आ गई। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिर सडनली एकदम बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो गई। बीमार मतलब मेरे साथ भी इनफैक्ट वही सब हुआ कि मैंने मेरा एकदम मुझे भूख लगनी बंद हो गई, कुछ भी खाती थी तो उल्टियाँ होती थी और खाना बिल्कुल बंद हो गया, खाना खा ही नहीं पाती थी। तो इस तरीके से फिर अब डॉक्टर्स के, फिर हमने मैं गई उनके डॉक्टर्स के पास गई, तो डॉक्टर दवाइयाँ दिया उसने, दवाई फार्मा फील्ड से मैं खुद भी थी तो उतनी जानकारी मुझे भी थी, तो ये दवाई खा रही, लेकिन उसका मतलब मैंने पूरा समझ लो साल भर दवाई खाई थी और लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, दवाई खा रही थी लेकिन बस ऐसा ही बीच में थोड़ा सा कुछ खा लिया, फिर ऐसे फिर नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल ऐसे सूख गई थी मैं, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी। और किसी से पूछती भी थी वो बोलते थे कि हाँ आप मेडिटेशन, तो मुझे लगता था हाँ मैं सद्गुरु का ये उसका शांभवी कुछ था वो मैं करती थी, तो मुझे लगता था कि सब कुछ तो मैं कर रही हूँ लाइफ में, मैं योगा भी करती थी, मैं वॉक भी करती थी और ये भी करती हूँ, तो फिर क्यों हो रहा है ये इस तरह के मतलब बीच बीच में। और फिर साथ में मदर इन लॉ भी थी हमारे साथ में, तो ये था कि तब मुझे सामने, हम यहाँ सामने ही रहते थे, तो दीदी का विप्लेश दीदी थी उनका यहाँ पे घर था, तो उन्होंने मुझसे एक जनरली ऐसे ही टॉक कर रही थी कि वो कि ऐसा कौन सा तुम करते हो कि तुम्हारी डिजीज़ ठीक नहीं हो रहे, तुम तो बिल्कुल खाना नहीं खा पाती हो। तो ये पॉइंट मेरे माइंड में स्ट्राइक हो गया कि हाँ वो ठीक कह रही है शायद, लेकिन फिर भी मैंने उसको गौर नहीं किया। तो मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर था, वो MD DM है गाइन, उसमें गैस्ट्रो में ही था क्योंकि गैस्ट्रो की समस्या थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्यों सही नहीं हो रही है, सारी मेडिसन्स खा लिया है, एक साल हो गया, दो साल हो गया। तो बोले जब कोई पेशेंट ठीक नहीं होता ना तो हम उसको एल्प्रोजोलाम दे देते हैं, मतलब एल्प्रोजोलाम क्या होता है, एक नींद की दवाई समझ लो वो होती है। तो मेरे माइंड में ये थॉट आया कि फाइनली सारी डिजीजेज में ये नींद की गोली डाल के मतलब ब्रेन को काम कर देते हैं, इसका मतलब ये 100% माइंड से ही कंट्रोल हो रहा है। तब उसके बाद फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया, दीदी मुझे सिखाओ आप क्या करते हो, क्योंकि वो उस वक्त आनापानासति मेडिटेशन में कर रही थी, एक साल हो गया था और इस तरीके से। तो दीदी बोली हाँ हाँ आ जाना, लेकिन फिर वो एक दो दिन ऐसे ही निकल गए। हमारे कॉलेज में भी जहाँ मैं पढ़ाती थी वहाँ पे भी एक सर थे, वो मेडिटेशन कराते थे, तो वो उनको भी देख के मुझे लगता था आखिर ये ज़ीरो स्टेट होती क्या है, कैसे जाते हैं इसमें, क्या होता है, कोई बताए मुझे। तो मैं उस चीज़ को ढूँढ रही थी कहीं से मुझे मिल जाए, वीडियोस भी यूट्यूब में देखती थी, संदीप माहेश्वरी की वीडियोस होती थी और भी बहुत की होती थी, लेकिन वो स्टेट पे मैं आ नहीं पाती थी, शायद प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता, मैं करती रहती थी उनको इधर उधर से जहाँ से जो मिल गया। तो फिर उसके बाद दीदी के मैं घर आ गई सीधा, मैंने कहा पता नहीं दीदी का फ्री हो, मैंने बोला दीदी फ्री हो तो बता देना, तो वो फिर मैंने कहा मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर मैं गई तो मैंने कहा दीदी मैं आ रही हूँ आपके पास, आप मुझे बताना। दीदी ने ब्रीफली 5 मिनट ऐसे हल्का फुल्का बताया होगा, और समझ लो वो जो 5 मिनट उन्होंने बताया उसके बाद से तो मैं वो बस वो वीडियोस, वो दीप्ति मैडम की वीडियोस फिर मैंने देखी, एक आत्मा की यात्रा उनकी, बहुत सारी, वो भी शायद फार्मा से ही हैं उनका, मैंने फार्मेसी से ही है। तो फिर उसके बाद तो बहुत सारी वो आत्मा की यात्रा जो थी वो मेरे ख्याल से लगता है वो ज़रूर देखनी चाहिए, मतलब जो भी कोई स्टार्ट कर रहा है इनिशिएटिव, तो क्योंकि वो बहुत लाइफ चेंजिंग होते हैं। अगर आप किसी की कथा सुनते हो इस तरीके से तो आपको लगता है कि हाँ, तो वो सुन रही थी तो मुझे लगा कि हाँ इससे सही में कुछ होता तो है ही। तो मैंने 4-5 फिर उसके बाद ही JTTP का आया, दीदी ने मुझे लिंक भेजा, और इनफैक्ट उस वक्त मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ भी हो गई थी 20 दिन की, तो मैं फ्री थी, तो मैंने उसको पूरी शिद्दत से किया था। और उसके करने के बाद जो लाइफ में एकदम ट्रांसफॉर्म हुआ, पहले तो मेरा मुझे मेरी दवाई धीरे 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 करके मुझे लगा नीड ही नहीं है मुझे दवाई की, तो वो अपने आप ही छूट गई और मेरा खाना शुरू हो गया। और मतलब मैं खुद सोच रही कि हुआ क्या, ये क्या हुआ आखिर, मतलब मैंने शायद मुझे लग रहा है 1 महीना भी नहीं किया होगा और मेरे अंदर से ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बॉडी के लेवल पर ये आया। तो धीरे धीरे करके फिर लाइफ ऐसे बढ़ती गई आगे,
और लेकिन उसके बाद भी लाइफ में सिर्फ बॉडी की हीलिंग हुई थी, अभी भी जो उस तरीके की जो चीज़ें चल रही थी घर के अंदर वो थोड़ा सा भी नहीं सॉर्ट आउट हुई थी। तो फिर ठीक है, आगे बढ़ रही है लाइफ जो भी है, हमारी बॉडी का तो ठीक हुआ ही है। फिर उसके बाद मैं ये PMC के ही चैनल से जुड़ी, क्योंकि मैं देखती रहती थी वो, तो उसमें उनकी वर्कशॉप्स बहुत आती थी। फिर उसके बाद ये ब्रिंगर्स ऑफ द डाउन था, ये मैंने करी। फिर उसके बाद उनके और भी बहुत सारे सेशंस होते थे, ये सारे मैंने देखती रहती थी, तो उनसे बहुत सारी नॉलेज मिलती रहती थी। तो फिर उसके बाद फिर एक बार ऐसा हुआ कि बहुत घर में एकदम ऐसे कुछ थोड़ा सा हो गया, फिर मैं पहुंची दीदी के पास, दीदी ये मेडिटेशन से तो कुछ नहीं हो रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन वो एकदम हो जाता है फिर। तो दीदी बोलते हैं मुझे सारिका मैडम की वो फॉरगिवनेस वाली वीडियो वो भेजी, शायद मैंने स्वाध्याय इतना डीपली नहीं किया था, मैं मेडिटेशन ही कर रही थी, स्वाध्याय मैं मिसिंग था, ये सुन लेती थी वीडियोस ज्ञान वगैरह के। तो जब से वो फॉरगिवनेस वाला फिर 40 days का मैंने वो सेशन, उसके बाद जो उन्होंने इफ एंड बट्स जितने भी थे लाइफ के, मेरे को लग रहा है वो सारे मेरे ख़त्म हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा हुआ क्यों है, क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके सारे जवाब मुझे मिल गए। तो उसके बाद से ही मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया कि मैं चीज़ों को आसानी से कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से उसको कॉन्शियसली कैसे हैंडल करना है, वो सोच पाई। तो मैम आप बता रहे हैं काफ़ी कुछ अपने जर्नी के बारे में, और आपने जैसे बताया कि बचपन से आपका शाय नेचर था, लेकिन जैसे आप ध्यान से जुड़े काफ़ी आउटस्पोकन हो गए आप, और ये चेंज जो आप कह रहे हैं ये आपने अंदर अपने तो देखा ही, लेकिन जब बाहर ही आप इसका प्रयोग कह सकते हैं जब करें तो वहाँ पे भी देखा, जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो क्या चेंजेस हैं जो आपने प्रोफेशनल लाइफ में देखे, और वो क्या चैलेंजेस थे जो आप फेस करते थे उनके बारे में? चैलेंजेस ये थे कि जैसे पहले मैं बहुत शाय थी, बोलती नहीं थी किसी से भी, या अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो अब ये था कि मैं आराम से अपनी जो भी बात होती है उसको बोल पाती हूँ, क्योंकि पहले माइंड में चलता रहता था सारा, मतलब माइंड के अंदर ही जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आते रहते थे। और अब क्या होता है कि जो भी अगर आता है तो मैं बता देती हूँ, बोल देती हूँ कि भाई ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, आप इसको इस तरीके से बोल दीजिए, वो क्लियर कट बात हो जाती है, तो वो किसी दूसरे को भी पता चलता है कि क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कई बार अंदर ही अंदर रख के ना पता नहीं चलता, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। प्लस कॉलेज में भी जैसे मैं एकदम अपना रिजर्व रहती थी, तो अब बात करने लगी, सोशल मेरा नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ गया है, सबके जाके केबिन में मैं बात कर लेती हूँ, मुस्कुरा लेती हूँ इस तरीके से। और यहाँ तक कि एंकरिंग वगैरह भी अब मुझे दे दी जाती है, कभी फंक्शन होता है तो मैं उसमें भी, तो सबके सामने बोलना, और प्लस कहीं भी मतलब सोसाइटी में भी अगर मैं जाती हूँ इस तरीके से, तो आगे से आपको सबको हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेते, तो अगला बंदा भी कर ही लेता है, तो वो एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है कि हाँ। तो वो चीज़ मैंने बहुत चेंजेस देखा, नहीं तो किसी अनजान व्यक्ति के से आप ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं कर सकते हो, वो एक मैंने एक बहुत अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। मेरे हस्बैंड तो ये भी बोलते हैं तुम किसी से भी कैसे नमस्ते कर लेती हो, मैंने कहा मैं देख के करती हूँ, मुझे कौन सा मुझे अच्छा लगता है मैं कर लेती हूँ। तो ये एक बहुत चेंज आया मेरे अंदर कि मुझे अच्छा लगता है। और प्लस बॉडी के लेवल पे तो हीलिंग जो भी हुई है उसके बाद, मैंने मुझे 2 साल हो गए मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है, ना मुझे बुखार आया है, ना मुझे सर्दी खांसी ऐसे, इवन अगर जैसे कभी आता भी है ना, जैसे कभी सर्दी हो गई कॉलेज में, सर्दी हो गई जुकाम हो गया है, तो मैं बोलती हूँ कि मैम हाफ डे के लिए मैं जा रही हूँ, हाफ डे जाती हूँ, 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, 1 या 2 घंटे मेडिटेशन करती हूँ, 1 घंटा सोती हूँ, शाम तक आई एम ओके। मतलब एक मेडिसिन हो गई है, मेरी पैरासीटामोल हो गई है एक तरीके से कह लो, कि मैडम को तो कोई भी दिक्कत होती है वो 1 घंटे मेडिटेशन कर लेती हैं और उनका डायरिया ठीक हो जाता है, उनका सब ठीक हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जो बेनिफिट मुझे मिले, एक तो कि फ्रैंकनेस या जो मेरे जो अंदर जो था वो बाहर थोड़ा सा निकल के आया है, और बॉडी के लेवल पर जो हीलिंग हुई है, प्लस घर में भी कोई बात जो मेरी थी वो पहले मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, तो मेरे घर में भी रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, है ना, एकदम रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ उस चीज़ को कॉन्शियसली कैसे बोलना है
वो चेंजेस आए हैं। और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें आती नहीं है, कि आप मेडिटेशन करोगे तो सीधा नेगेटिव आती नहीं, नेगेटिव आती है। सबसे पहले नेगेटिव ही आती है, अगर कोई डिस्प्यूट कर रहा है आपसे, कोई बोल रहा है आपको गलत बोल रहा है। देखिए जब कुछ अच्छा चलता रहेगा तब तो कुछ चैलेंजेस है ही नहीं, लेकिन जब कोई डेली आपको कोई कुछ ना कुछ करता रहेगा तब आप उसको कैसे फेस करते हो, वो होता है चैलेंज। तो अगर किसी ने आपको गलत बोल दिया तो आपके माइंड में उसके लिए नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप ठीक कर रहे हो और वो गलत बोल रहा है आपको। तो उसको, वो जो नेगेटिव है, उसको कॉन्शियसली कैसे सोच के उसमें एक पॉजिटिव थॉट डाल के उसको कैसे पॉजिटिव करना है, ये मेडिटेशन के थ्रू आया है। वाओ। तो ये, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था विदाउट मेडिटेशन, वरना वो पूरा दिन पूरा महीने में नेगेटिव ही चलता रहता था, उसको कोशिश करके भी नहीं हो पाता था। बहुत खूबसूरत मैसेज मैम आपने अभी अपने इस पूरे व्याख्या में दिया। और एक सवाल मेरे मन में आया पहले भी जब आप बता रहे थे कि प्रोफेशनली आप में काफ़ी चेंजेस आए, अप फ्रंट आप हो गए, तो एक सवाल है जैसे आप एक प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स को आप रोज़ फेस करती हैं, और जब आप एक टीचर होकर जब उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तो भी वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें आ रही होती हैं सामने से, मे बी एक्सेप्टेंस को लेकर या किसी के बिहेवियर को लेकर, या फिर मैं एक टीचर हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर बच्चे को सही तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करूँ। इस चीज़ में कितना कॉन्शियसली आप काम कर पाते हैं मेडिटेशन में आने के बाद से, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पहले ये होता था कि मैं जॉब कर रही थी, तो जॉब करके बाद मुझे लगता था मुझे जितनी सैलरी मिल रही है मुझे उतना जॉब करना है, मेरी सैलरी 40,000 है 50,000 है, मैं मुझे 50,000 का ही जॉब करना है, इसके आगे नहीं करना है, हमें कॉलेज इतनी सैलरी दे ही नहीं रहा है कि हम इतना काम करेंगे, ये थॉट रहता था। लेकिन अब ये थॉट काफ़ी चेंज हो गया है, अब इस तरीके का थॉट नहीं आता है कि हमें सैलरी इतनी कम मिल रही है हम इतना काम नहीं करेंगे। अब ये आ गया है कि हम एक फैमिली की तरह, मुझे लगता है, मैं अपनी पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे ये फीलिंग आती ही नहीं। जब मैं कॉलेज में जाती हूँ मैं लेक्चर लेती हूँ, और उसी वक्त मेरा लेक्चर अगर अच्छा होता है और बच्चे उसको अप्रिशिएट करते, कई बार बच्चे खड़े होकर ताली भी बजा देते हैं, तो मेरी सैलरी मिल गई मुझे, वो सैलरी मिल गई। उसके बाद क्या चाहिए आपको? बच्चे जब कॉलेज में कहीं प्लेस हो जाते हैं, कहीं प्लेसमेंट उनका हो जाता है, वो बाद में फ़ोन करके बताते हैं कि मैम हम यहाँ प्लेस हो गए, तो वो मिल गई आपको सैलरी। तो वो ये चीज़ें जो होती है पहले नहीं थी, पहले ये लगता था कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मैं इसीलिए ये डिग्री लूँ या आगे इसीलिए पढ़ूँ या आगे पेपर्स इसीलिए लिखूँ कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट इसी में ही रहता था। अब ये नहीं रहता। हाँ ऑफकोर्स ये एक प्रायोरिटी है आपकी, मैं इसको नेगोशिएट नहीं कर रही कि सैलरी को देखना ही नहीं चाहिए, वो भी एक आपका प्राइम मोटो है। लेकिन हाँ अब पूरे माइंडफुलनेस के साथ मैं चीज़ों को पढ़ाती हूँ। इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 15 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं बुक्स इशू करा के अभी भी नोट्स बनाती हूँ, अभी भी लेक्चर्स कोई पॉइंट मुझे अच्छा मिलता है, मतलब मुझे लगता है कि मुझे, मैंने ये लेक्चर लिया तो मेरा लेक्चर 100% सबसे बेस्ट होना चाहिए। इधर से वीडियोज़ देख के, उधर से देख, नोट्स कलेक्ट कर, एक प्रॉपर परफॉर्मर बना के तब मैं जाती हूँ। तो वो मेरा एक मोटो रह गया है। एक चीज़ आप बोल रहे हैं अभी कि आप आज भी, हालांकि 15 साल आपको हो गए, लेकिन आज भी आप अपना 100% देते हैं। हाँ। और ये जो सारे एफर्ट्स आप कर रहे हैं वो करते हो, क्या खुशी मिलती है आपको? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर से ये भावना निकल चुकी है जितना मिलता था मैं उसके लिए उतना ही करूँ। हाँ। लेकिन अब मैं, आप उसके बियॉन्ड जाकर कर रहे हैं। हाँ। उससे ज़्यादा कर रहे हैं जितने आपके एफर्ट्स हैं। हाँ। वो एक खुशी जो होती है कि आई एम गिविंग माई बेस्ट, माई 100%, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके बारे में डेफिनेटली, जैसे ही अगर आपके अंदर जिस वक्त ये थॉट क्रिएट होता है कि मुझे सबसे अच्छा करके पढ़ाना है, उसी वक्त ही शायद मेरे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, डोपामिन रिलीज़ होता है या सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, तो मतलब मेरी हीलिंग हो जाती है। जो भी नेगेटिव भी अगर कुछ हो रहा होता है वो सारा पॉजिटिव में क्रिएट हो जाता है। तो वो मुझे लग रहा है सारा थॉट प्रोसेस का खेल है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने काफ़ी बुक्स भी फिर पढ़ी थी, क्योंकि अब बुक्स का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो पहले ये होता था कि यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख ली, तो वीडियोज़ में भी मैं, अगर बुक से रिलेटेड कोई वीडियो होती है कि जैसे कर्म सिद्धांत पर है, तो उसकी, क्योंकि पीएमसी में ये एक बहुत अच्छा प्रोविज़न कर दिया है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि बुक्स रीडिंग नहीं कर पाते, तो पूरी की पूरी बुक उसमें बता रखी है शॉर्ट में, मतलब आधे घंटे में आप उस पूरी बुक की समरी कर सकते हो, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। मतलब मुझे तो इतना उससे चेंजेस आए हैं, जैसे ये सोल्स जर्नी वाली है, आत्मा की यात्रा है, वो मैंने यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही सुनी है, और कर्म सिद्धांत है, यू कैन हील योर लाइफ, ये बुक मैंने, ये भी मैंने यूट्यूब में भी देखी और वैसे भी पढ़ी थी, और उसके बाद माइंड टू मैटर है,
तो ये सारी थॉट प्रोसेस पर ही किताबें हैं। तो कैसे हम थॉट प्रोसेस को चेंज करके और किसी को भी आपके जो थॉट होते हैं वो वाइब्रेशन भेजते हैं। कई बार ये होता है कि मैं थॉट गलत भी क्रिएट कर देती हूँ तो मेरे मदर इन लॉ को वाइब्रेशन कई बार चला जाता है। तो मैंने कहा ना तो बोला ही नहीं था, ये क्या हुआ। मैंने कहा उसको थॉट को मैं अंदर ही सही करती हूँ तो वो चला जाता है। मतलब मैंने प्रैक्टिकली इसको करके देखा है और ऐसा हुआ भी है। तो वो इस चीज़ पर मैं काम कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी कि कैसे थॉट प्रोसेस से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये डेफिनेटली मेडिटेशन से ही आया है क्योंकि जब तक उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी आप नहीं कर पाओगे। मैम आप वाइब्रेशन सेंड और रिसीव करने की बात कर रहे हैं, हाँ, और पत्री जी भी कहते हैं और ध्यान जगत में हर व्यक्ति कहता है कि आप ध्यानी बन तो जाएंगे लेकिन जब तक आप इसको और इसको नहीं बदलेंगे, अपनी वाक शुद्धि पे काम नहीं करेंगे, तब तक जो है आप में सुधार या आप में बदलाव आपको अपने आप में नहीं दिखेगा। और आपकी हर बातों में एक ना एक मैसेज जा रहा है हमारे सभी दर्शकों के लिए। मैम एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, हालांकि आपने काफ़ी कुछ बताया अभी ध्यान के बारे में, लेकिन एक मैसेज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप देना चाहें जो नए ध्यानी हमसे जुड़ रहे हैं, कि आपने एक चीज़ और बोली कि प्रैक्टिकल करके मैं देख रही हूँ और मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे ध्यान को लेकर और वो खुद कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में कुछ बताएं। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ऐसे कर सकते हैं कि आप सबसे पहली बात ध्यान का तो प्रोसीजर यही है कि 40 दिन आपको ध्यान करना ही है, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए क्योंकि उससे पहले कई बार नहीं भी हो पाता है। प्लस ये होता है कि जैसे मैंने अपने इसके अंदर जो चेंजेस देखे थे अपनी लाइफ में, जो भी चेंजेस आए, तो मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि आजकल की जो नई जनरेशन है ना, वो इसको मेडिटेशन मतलब वो सोचती कि अभी हमारी इतनी लाइफ पड़ी है, अभी से ही मेडिटेशन क्या मतलब हम साधु बन जाएंगे क्या क्या। अगर यंग बच्चों को बताया, हम कॉलेज के बच्चों को बताते हैं जैसे मैं, तो वो बोलते हैं क्या बोल रही है मैम, हम क्या साधु बन जाएंगे क्या, ये क्या अभी से मेडिटेशन करेंगे। तो ये एक मिथ है। तो ये एक नई जनरेशन को मैं अभी इस पर आगे काम करूँगी कि कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, या जितने भी आगे जो ये जनरेशन आ रही है, पहले तो बचपन से ही इसको इनग्रोथ स्कूल से हम शुरुआत करेंगे। प्लस कॉलेज में बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो अलग लेवल के बच्चे होते हैं, वहाँ पे आप उनको ध्यान सिखाना मतलब वो कुछ भी उसका वो, तो उसकी जो आपका जो लेक्चर होता है वो इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि एक घंटा आपको सुन सके वो। पहली बात वो सुने, आपका इतना इफ़ेक्टिव लेक्चर होगा वो सुनेंगे तब वो, वरना तो वो सुनते ही नहीं हैं। तो आप उनको कुछ भी बता सकते हो, तो पहले मिथ्स क्लियर करने पड़ेंगे आपको कि मेडिटेशन के मिथ्स क्या है। बच्चे समझते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, या मेडिटेशन सिर्फ टाइम पास करने के लिए है, या ये सारा मिसकंसेप्ट है। उसको दूर करके तब हम बताएंगे कि आप किस तरीके से माइंडफुलनेस से अपने किसी भी काम को कर सकते हो मेडिटेशन के ज़रिए। तो ये बताना पड़ेगा, आप डिसीजन कितनी अच्छी तरह से ले सकते हो, ये चीज़ें उनको बतानी पड़ेंगी। तो ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि इससे इम्प्रूवमेंट है और डेफिनेटली आगे इस पर मैं काम करूँगी। और कुछ कुछ मैंने स्टेप लिए भी हैं, कॉलेज में एक आध हैं जिनको मैंने बताया भी है और उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है काफ़ी। इनफैक्ट वो भी मेरी तरह बहुत शाय थी और वो काफ़ी अब उनकी डॉक्टरेट भी हो गई है, मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट उनके अंदर आया है काफ़ी। तो इसी में ही आगे मैं बढ़ूँगी आगे। जी तो मैम जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी हर बात में एक मैसेज है और आप बहुत गहराई से एक्चुअली एक एक अपनी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। जैसे आपने पहले भी वो बात कही कि अपने थॉट के ऊपर काम करके और उसमें जो नेगेटिविटी के अंदर पॉजिटिविटी जो ढूंढना है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आपने बहुत अच्छे विचार अपने शेयर किए और आपकी खूबसूरत जर्नी जो आपने हमारे साथ शेयर की, उन सभी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ सीमा जी, जिन्होंने अपने ध्यान की खूबसूरत जर्नी बहुत सारे मैसेजेस के साथ हमारे साथ शेयर की। ऐसे ही और ध्यानों की जर्नी मैं आप तक लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।